हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। सो धीरे धीरे सरोजी नगर में आने लगी है समर कलेक्शन। यहाँ पे ना आपको ट्रेंडी से ना डेनिम बाइकर शॉर्ट्स, शर्ट ड्रेसेस, शर्ट रिप जीन्स, कैमी टॉप, मिनी लेदर स्कर्ट एंड पोलो टी शर्ट एक्सेट्रा की कलेक्शन देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज। बट अभी ना ट्रेंडी से एंड पॉपुलर से पिंटरेस्ट एंड सेलिब्रिटी स्टाइल वाले जीन्स, ओवर कोट, लेदर पैंट, स्कर्ट, स्वेटर वेस्ट की कलेक्शन का प्राइस काफी ड्रॉप हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड 150 रुपीज। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, यहाँ की बोथ समर एंड विंटर की कलेक्शन को डिटेल में एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। सो आई एम एट द बैक साइड ऑफ सरोजी नगर जहाँ पर फूड कोर्ट एंड यहीं पर एक शॉप है, शॉप नंबर 137। इस शॉप में ना आपको काफी ट्रेंडी कलेक्शन देखने को मिलेगी। लाइक स्टार्टिंग में आई सॉ दिस वेरी पॉपुलर सा ड्रेस जिसके ऊपर ना ये प्योर लेदर वाला टॉप था एंड अंदर में ना ये गिंगम प्रिंटेड शर्ट का ऑप्शन था। इस टाइप के ड्रेस अभी काफी पॉपुलर है। देन कुछ ये विंड ब्रेकर जैकेट्स के ऑप्शन थे। देन यहीं पे मैंने ये काफी प्रिटी सा प्योर लेदर वाला बोलेरो जैकेट नोटिस किया। कुछ ये फुल स्लीव वाले बोलेरो श्रग जिनके ऊपर जारा का टैग था, ये काफी प्रिटी थे। इनका प्राइस 450 रुपीज था। इस टाइप की चीजें जारा H&M में थोड़ी महंगी होती है। देन शॉप नंबर 137 वाली लाइन में आगे चल के ना एक ये डेनिम वाली शॉप है। इस शॉप में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, डेनिम जैकेट, शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज टू 350 के। लाइक यहाँ पे कुछ सारे ट्रेंडी से ये वाइड फोल्डेड हेम वाले डेनिम जीन्स के ऑप्शन थे। कुछ सारे यहाँ पे लाइट वॉश वाइड लेग जीन्स के ऑप्शन थे अंडर 250 टू 350 के इन बिटवीन। देन काफी सारे यहाँ पे डेनिम शॉर्ट्स के ऑप्शन थे, लाइक ये डिस्ट्रॉय रिप ड्रॉ हैम वाला डेनिम शॉर्ट। देन यहीं पे मैंने काफी सुंदर सा ये डेनिम बाइकर शॉर्ट्स देखा। इस टाइप के जो कलेक्शन है ना मोस्टली मैं अर्बेनिक पे देखती हूँ, वहाँ पे इनका प्राइस थोड़ा महंगा होता है, बट इनका प्राइस यहाँ पे 200-250 के इन बिटवीन था। अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ पे काफी सारे रिप्ड, स्ट्रेट लेग, कट आउट, वाइड लेग, बैगी फिट वाले जीन्स के ऑप्शन थे अंडर 300-350। यहाँ पे ना आपको स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस के जीन्स देखने को मिल जाएंगे, बट मेक श्योर आप ना इनकी क्वालिटी एंड इनके फैब्रिक को चेक करके यहाँ से परचेज करें। नाउ दिस इज अ फुटवेयर शॉप इन द सेकंड लेन ऑफ सरोजी नगर, शॉप नंबर 144। शॉप के स्टार्टिंग में यहाँ पे 350 रुपीज वाले शूज के ऑप्शन थे। देन शॉप के अंदर काफी सारे फ्लैट एंड स्लाइड्स के ऑप्शन थे इन डिफरेंट डिजाइन। लाइक ये नॉट डिटेल वाला जो फ्लैट है ना, इसे मैंने ऑनलाइन देख रखा है 1000 रुपीज का, बट यहाँ पे 200 रुपीज का था। तो यहाँ की हम और भी कलेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू शेयर माई होम सैलॉन सर्विस एक्सपीरियंस दैट आई टुक फ्रॉम अर्बन कंपनी। तो मुझे ना अर्जेंटली फेशियल सर्विस लेनी थी बिकॉज माई स्किन नीडेड सम ग्लो, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं ना फिजिकली तो सैलॉन विजिट नहीं कर सकती थी। दैट्स व्हाई आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट विद अर्बन कंपनी, बिकॉज वी ऑल नो अर्बन कंपनी इज अ होम सैलॉन सर्विसेज प्लेटफॉर्म जहाँ पे घर बैठे बैठे ना आप सैलॉन सर्विसेज ले सकते हैं, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। मैंने तो अपने लिए ब्यूटी हाइड्रेटिंग फेशियल चूज किया था एंड जो मुझे ब्यूटिशियन असाइन हुई थी ना, वो अपनी इक्विपमेंट, टूल्स एंड डिस्पोजेबल प्रोडक्ट अपने साथ ही लेके आई थी। अर्बन कंपनी के ना प्रोफेशनल्स काफी वेल ट्रेन्ड होते हैं, वैक्सीनेटेड होते हैं, ये अपना काम बखूबी करते हैं। लाइक मेरे को जो प्रोफेशनल असाइन हुई थी ना, इन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट को ना पहले सैनिटाइज किया था। देन वो स्टेप बाय स्टेप मेरा फेशियल कर रही थी एंड मुझे ना वो समझा भी रही थी कि अब वो कौन से स्टेप कर रही है। मुझे ये वाली चीज काफी अच्छी लगी। ऑल्सो अभी ना अर्बन कंपनी पे सैलॉन स्प्री, इंडिया बिगेस्ट सैलॉन फेस्टिवल चल रहा है, जो कि 25th ऑफ फरवरी से 15 मार्च तक है, जहाँ पे ना आपको 60% ऑफ मिलेगा ब्यूटी एक्सपीरियंसेस पे। सो ना आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय फेशियल एंड इसके बाद में ना मैंने अपने फेस को वाटर से वॉश किया एंड यू कैन सी कि मेरा फेस काफी हेल्दी एंड ग्लोई सा लग रहा है। सो मेरा एक्सपीरियंस तो अर्बन कंपनी के साथ काफी अच्छा रहा, बिकॉज इनके सर्विसेज ना अफोर्डेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, मेस फ्री होते हैं। आपको ना इनकी सर्विस को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अर्बन कंपनी की लिंक ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो मेक श्योर आप इसे एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यहाँ पे काफी सारे ट्रेंडी एंड कॉपीड स्नीकर्स एंड शूज के ऑप्शन थे स्टार्टिंग फ्रॉम 800 रुपीज टू 1500। शॉप में कुछ हाई शोल वाले प्लेटफॉर्म एंड कलर ब्लॉक स्नीकर्स के ऑप्शन थे। यहीं पे मैंने नाइकी के कॉपीड शूज देखे। ये 850 का है। देन मैंने काफी पॉपुलर सा ये कॉपीड नाइकी एयरफोर्स 1 पेस्टल शूज नोटिस किया। देन यहाँ पे कुछ सारे नाइकी डंक हाई अप शूज के ऑप्शन थे, वो 1250 रुपीज। देन शॉप में काफी सारे स्कर्ट्स के ऑप्शन थे, लाइक यहाँ पे मैंने ये चेक स्कर्ट नोटिस किया। देन यहीं पे मैंने ये फॉक्स लेदर वाला ये मिनी स्कर्ट देखा, जिसे मैंने असोस, ईबे, ज़ारा पे देख रखा है। देन दिस ये मोटो बाइकर मिनी स्कर्ट, इसे मैंने फॉरएवर 21 में देखा था, 2000 रुपीज का, बट यहाँ पे 250 रुपीज का था। ये स्कर्ट्स ना कैमरे पे थोड़े से बुरे लग रहे थे, बट इन्हें वॉश करने के बाद ना काफी ट्रेंडी सा लुक देंगे, प्लस ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी प्यारा लुक देते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यहाँ पे काफी सारे कैमी टॉप के ऑप्शन थे फॉर 100 का। मैम कोई भी निकाल लो, 100 रुपए का है। इट वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग बिकॉज ये रिब निट कैमी टॉप की ना क्वालिटी अच्छी थी, प्लस और शॉप में ना ये 200-250 के थे, जहाँ पे ना भैया बार्गेन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बट यहाँ पे इनका प्राइस 100 रुपीज था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यहाँ पे काफी सारे ओवरकोट के भी ऑप्शन थे, बट मैंने उन्हें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शॉप, शॉप नंबर 198। इस शॉप में ना आपको हमेशा काफी पॉपुलर, ट्रेंडी एंड कभी कभी तो ब्रांडेड कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रिंटेड शर्ट, ड्रेसेस, स्कर्ट, जीन्स, श्रग, स्वेटर वेस्ट, स्वेटर एक्सेट्रा की कलेक्शन देखने को मिल जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 और 150 रुपीज। 150।
शॉप के अंदर एंटर करने के बाद स्टार्टिंग वाली रूम में ना एक शॉप थी। इस शॉप पे ना कुछ ना बड़े ब्रांड वाले सिमिलर सी कलेक्शन थी। लाइक यहाँ पे मैंने ये रॉम्बस नेट वाला स्वेटर देखा जिसे मैंने मैंगो पे देख रखा है। देन ये काफी प्यारा फ्लोरल वुलन एम्ब्रॉयडरी वाला ये जंपर जिसे मैंने जारा पे देख रखा है। देन यहीं पे मैंने काफी पॉपुलर हाउसटूथ प्रिंट वाला कार्डिगन नोटिस किया। यहाँ पे कुछ सारे विंटेज स्वेटर के भी ऑप्शन थे जिनका प्राइस 150-200 रुपीज था। तभी तो लॉस में जा रहे हो तुम। लाइक दिस ये फुल स्लीव वाला ब्लैक एंड ग्रीन स्टाइल पैन वाला जो क्रॉप स्वेटर था ना ये बहुत ही प्यारा था। इसका प्राइस 150 रुपीज था एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वन जो मैंने उस दिन देखा था। देन यहाँ पे कुछ सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेटर के भी ऑप्शन थे। लाइक यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ ऑटम वाइब वाले ये जंपर नोटिस किया। ऐसा सेम जंपर ना मैंने कोरियन शॉपिंग वेबसाइट पे देख रखा है। यहाँ पे इसका प्राइस 200 रुपीज था। देन यहीं पे मैंने काफी डिफरेंट एंड कूल सा ना ये ड्रॉप शोल्डर लेटर ग्राफिक हुडेड स्वेटर नोटिस किया। डिट्टो सेम ऐसा स्वेटर ना मैंने ऑनलाइन देखा था 1700 रुपीज का। यहाँ पे 200 रुपीज का था। इस वाले शॉप में ना आपको स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज साइज के ना डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप ना पूरे शॉप को ना पहले एक्सप्लोर करें उसके बाद कुछ यहाँ से परचेज करें। यहाँ पे मैंने पोल्का डॉट वाली कलेक्शन भी नोटिस करी। लाइक ये प्रीवियस वाला पोल्का डॉट वाला स्वेटशर्ट। देन यहीं पे मैंने ये डॉटेड नीटेड वाला ये पुलओवर नोटिस किया जिसे मैंने ओनली के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा था। यहाँ पे 200 रुपीज का था। शॉप के अंदर और भी काफी सारे पॉपुलर प्रिंट वाले स्वेटर के ऑप्शन थे। लाइक ये चेरी प्रिंटेड स्वेटर। देन यहाँ पे मैंने काफी सारे ना स्वेटर वेस्ट की कलेक्शन देखी जो की पहले तो नहीं थी बट अब ना यहाँ पे काफी वेरायटी एंड डिजाइन में ना स्वेटर वेस्ट की कलेक्शन आ रखी थी। लाइक दीज ये रॉम्बस पैटर्न प्रिंट वाले ना ये स्वेटर वेस्ट। देन यहीं पे मैंने काफी प्यारा जियो पैटर्न वाला ये विंटेज सा स्वेटर वेस्ट नोटिस किया। देन आई सॉ दिस ये वेरी पॉपुलर वी नेक वाला ये अगाइल पैटर्न वाला स्वेटर वेस्ट जिसे मैंने इंटरनेशनल शॉपिंग वेबसाइट ईबे शीन वगैरह पे देख रखा है। वहाँ पे ये थोड़े महंगे थे बट यहाँ पे इनका प्राइस 200 रुपीज था। यहाँ पे कुछ सारे विंटेज स्टाइल के लाइक फेयर आयल पैटर्न वाला मैंने स्वेटर वेस्ट भी नोटिस किया। इस टाइप की जो कलेक्शन थी ना पहले यहाँ पे 250-300 रुपीज की आती थी बट अब इनका प्राइस काफी कम हो रखा है। अभी आपको आराम से 150-200 में मिल जाएंगे। बिकॉज अब धीरे धीरे सर्दियां जा रही है ना तो सरोजिनी नगर के मोस्ट ऑफ द शॉप में आपको काफी ट्रेंडी एंड यूनिक कलेक्शन देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज से 200 रुपीज के इन बिटवीन। अभी ना बेस्ट टाइम है अगर आप विंटर्स के लिए शॉप करना चाहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द यहाँ के शॉपकीपर्स है ना वो अपनी कलेक्शन को ना जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हैं तो उन्होंने ना प्राइसेस को काफी कम कर रखा है। इतना कम प्राइस ना आपको विंटर्स में देखने को नहीं मिलेगा। देन शॉप के अंदर काफी सारे ड्रेसेस के भी ऑप्शन थे बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी ना यहाँ पे काफी सारे विंटर ड्रेसेस के ऑप्शन थे। समर वाले ड्रेसेस अभी भी काफी कम देखने को मिल रहे थे। देन यहाँ पे और भी काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेटर्स के ऑप्शन थे केबल नेट कैमो पैटर्न में। देन यहीं पे मैंने ये हैप्पी प्रिंटेड सा स्वेटर नोटिस किया। देन यहाँ पे काफी सारे नेटेड स्वेटर के भी ऑप्शन थे जिनका प्राइस 200 रुपीज है। अगर आप बार्गिन करते हैं तो वो आपको आराम से 150 तक में भी मिल जाएंगे। समर कलेक्शन के नाम पे ना यहाँ पे कुछ सारे ग्राफिक एंड प्रिंटेड समर शर्ट्स के ऑप्शन थे। इनके ना यहाँ पे ज्यादा वेरायटी नहीं थी। देन यहाँ पे कुछ सारे ऐसे नेटेड से टॉप के ऑप्शन थे कार्डिगन के ऑप्शन थे। देन यहीं पे मैंने ये बलून स्लीव वाला टर्टल नेक टॉप देखा। ये काफी प्रिटी सा था एंड इसका प्राइस 100 रुपीज था। देन यहीं पे मैंने ये फ्रंट ट्विस्टेड टॉप देखा। ऐसा सिमिलर सा टॉप मैंने फॉरएवर 21 में देख रखा है। यहाँ पे कुछ निटेड कार्डिगन के भी ऑप्शन थे फॉर 100 and 150 रुपीज। लाइक ये हाफ स्लीव वाला बटन अप कार्डिगन ऐसा सिमिलर सा कार्डिगन मैंने अर्बेनिक पे देख रखा है। देन यहीं पे मैंने ये स्ट्राइप लाइन वाला ये फुल स्लीव वाला कार्डिगन देखा। इसका प्राइस भी 100 रुपीज था। कुछ लेटिस हेम वाले ये वेल फिटेड से टॉप के भी ऑप्शन थे। देन यहाँ पे कुछ सारे कैमी टॉप के भी ऑप्शन थे। लाइक ये वाला जो कैमी टॉप है ना इसका प्राइस 100 रुपीज था एंड इसके ऊपर ना जारा का टैग लगा हुआ था एंड इसके ना लोअर हेम पे ना पर्ल्स लगे हुए थे। देन यहाँ पे कुछ सारे डिफरेंट पेस्टल कलर्स में मैंने ये रियल H&M के क्रू नेक वाले शर्ट देखे विच वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग बिकॉज इनका ना यहाँ पे प्राइस 200 रुपीज था। एंड सेम ऐसे वाले शर्ट ना मैंने इस विंटर्स के स्टार्टिंग में रियल H&M के ऑफिशियल स्टोर्स पे देखा था 1400 रुपीज का। एंड इनकी जो क्वालिटी थी ना वो ठीक थी एंड इनके अंदर ना मुझे कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिला। नाउ दिस इज शॉप नंबर 141 एंड इन शॉप में ना मुझे काफी भीड़ देखने को मिली इन कम्पेयर टू अदर शॉप्स बिकॉज अभी के टाइम पे ना सरोजनी के किसी भी शॉप में ना ज्यादा भीड़ लगाना अलाउड नहीं है। अगर किसी भी शॉप में ज्यादा भीड़ होती ना तो उस शॉप का ना चलान कट सकता है। शॉप के अंदर काफी डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन थी। लाइक यहाँ पे वर्सिटी जैकेट थे, कॉर्ड सेट थे, नाइट सूट सेट के ऑप्शन थे, डेनिम जैकेट थे, टॉप थे, शर्ट थे। देन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शॉप वॉज की इस शॉप में ना काफी अच्छे प्योर लेदर वाले स्कर्ट्स एंड पैंट्स के ऑप्शन थे। इस टाइप के कलेक्शन ना मैं मोस्टली इंटरनेशनल शॉपिंग वेबसाइट पे देखी हूँ, पिंटरेस्ट पे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ये फेक लेदर वाला पैंट नोटिस किया जो कि काफी पॉपुलर है जारा पे एंड ऐसा वाला पैंट ना मैंने अर्बेनिक पे देख रखा है 1500 रुपीज का। देन यहाँ पे काफी सारे मिनी फेक लेदर वाले स्कर्ट्स के ऑप्शन थे एंड इन सब का प्राइस 200 रुपीज था। अपार्ट फ्रॉम दीज सिंपल स्ट्रेट फिट वाले ये मिनी स्कर्ट यहाँ पे ना मैंने कुछ सारे डिफरेंट सी कलेक्शन भी नोटिस करी। लाइक ये हाई वेस्टेड प्लीटेड पैटर्न स्कर्ट ऐसा वाला सेम स्कर्ट ना मैंने इंटरनेशनल शॉपिंग वेबसाइट्स लाइक रिवॉल्व अर्बेनिक ईबे अलीबाबा एक्सेट्रा पे देख रखा है। वहाँ पे इनका प्राइस 1000 रुपीज था बट यहाँ पे इनका प्राइस 200 रुपीज था। देन यहीं पे मैंने काफी डिफरेंट सा ये स्टडेड हाई वेस्टेड प्योर लेदर वाला स्कर्ट नोटिस किया जिसे मैंने ऑनलाइन 2100 रुपीज का देख रखा है एंड यहाँ पे इसका प्राइस 200 रुपीज था। प्योर एंड फॉक्स लेदर वाले स्कर्ट्स के अलावा भी डिफरेंट मटेरियल में यहाँ पे स्कर्ट के ऑप्शन थे। लाइक यहाँ पे मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट स्क्वायर प्रिंट वाले ये मिनी स्कर्ट नोटिस किया फॉर 200 रुपीज। यहाँ पे कॉर्डरोय स्कर्ट्स के भी ऑप्शन थे जो कि काफी पॉपुलर है। यहाँ पे कुछ ये चेक पैटर्न वाले नी लेंथ वाले
स्कर्ट्स के भी ऑप्शन थे। देन यहीं पे मैंने ये काफी पॉपुलर प्लीटेड टेनिस स्कर्ट भी नोटिस किया जिसे मैंने ऑनलाइन भी देख रखा है। इसे ना मैंने ब्लैक पिंक मेंबर जेनी एंड लिसा को भी पहने देख रखा है। ऑनलाइन इसका प्राइस थोड़ा महंगा होता है बट यहाँ पे इसका प्राइस 200 रुपीज था। देन शॉप के अंदर ये 200 रुपीज वाला समर टॉप्स वाला स्टॉल था। इस स्टॉल में ना कुछ सारे रेनबो टॉप के ऑप्शन थे, डेजी फ्लोरल प्रिंट वाले शर्ट के ऑप्शन थे। ऐसे वाली कलेक्शन मैंने पहले भी समर में देख रखी है, इस वजह से मैंने इन्हें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज ये वाली कलेक्शन ना पुरानी वाली ही थी। सरोजनी नगर के अभी भी काफी सारे शॉप्स में ना विंटर कलेक्शन है, मे बी शायद मार्च से ना ये वाली कलेक्शन ना हट जाएंगे एंड प्रॉपर समर कलेक्शन आ जाएंगे बिकॉज अभी ना समर्स के कलेक्शन ना मुझे ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे। प्लस यहाँ पे ना काफी ज्यादा वैरायटी भी अभी नहीं आई समर्स कलेक्शन की एंड जो आ रखी है ना उनका प्राइस भी अभी थोड़ा महंगा है। इस शॉप में ना आपको काफी अच्छे वर्सिटी जैकेट्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक मेरे पास भी ना एक वर्सिटी जैकेट है जो इस शॉप से मैंने ले रखा है जिसे मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं, मे बी मैं आपको अपने अगले हॉल में दिखाऊं। तो इस वाले शॉप में जो वर्सिटी जैकेट है ना उनका प्राइस अराउंड 500-550 रुपीज था। तो अगर आप वर्सिटी लेना चाहते हैं ना तो आप इस शॉप को चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कलेक्शन शॉप के अंदर ना कुछ सारे नाइट सूट सेट के भी ऑप्शन थे, लाइक नाइट टी शर्ट प्लस शॉर्ट्स के ऑप्शन जिनका प्राइस 300-350-500 के इन बिटवीन था। वैसे तो सरोजनी नगर मार्केट को परमिशन मिल चुकी है कि यहाँ के सारे शॉप ओपन हो सकते हैं, ऑड एंड इवन का कोई चक्कर नहीं है, बट स्टिल अभी भी यहाँ पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शन है। लाइक यहाँ पे एक जगह पे ना ज्यादा लोग इकट्ठे होकर खड़े नहीं हो सकते, शॉप के अंदर आप ज्यादा भीड़ नहीं लगा सकते, पर शॉप के बाहर ना अभी भी काफी सारे स्टॉल्स को ना स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं मिली। नाउ दिस इज वेरी पॉपुलर एंड चीपेस्ट लेन ऑफ सरोजनी नगर, एके द ग्रैफिटी लेन, जो हमेशा अपनी यूनिक एंड ट्रेंडी कलेक्शन से हरी भरी रहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाली लेन ना पूरी खाली पड़ी, यहाँ पे एक भी शॉप को ना अपनी शॉप लगाने की परमिशन नहीं है। इस वाली लेन को ना कभी भी मैंने इतना खाली नहीं देखा। ऑल्सो प्लीज इग्नोर माई ब्रदर, ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट फीचर्ड इन माई वीडियो। ग्रैफिटी लेन के जस्ट सामने ना यहाँ पर ये भैया ना ओपन में सॉक्स के स्टॉल लगाते। इनके पास ना काफी यूनिक से सॉक्स की कलेक्शन होती है। लाइक यहाँ पे आपको ना 100 रुपीज में 6 पेयर्स ऑफ सॉक्स मिल जाएंगे। एंड द फैक्ट दैट कि ना ये वाले सॉक्स ना सेकंड हैंड भी नहीं थे, प्लस ना ऐसे वाले सॉक्स ना ऑनलाइन काफी महंगे आते, बट यहाँ पे ना आपको 6 पेयर्स ऑफ सॉक्स मिल जाएंगे फॉर जस्ट रुपीज 100। मैंने पूरी सर्दी ना यही वाले सॉक्स को पहना था एंड ट्रस्ट में ये काफी वार्म थे। नाउ दिस इज शॉप नंबर 115 नियर ग्रैफिटी लेन। ये वाली शॉप ना अपनी बोहो ट्राइबल एंड अफगानी काइंड ऑफ टोट बैग, पोटली बैग, झोला बैग एंड बैकपैक के लिए पॉपुलर है। लाइक यहाँ पे मैंने ये कॉटन मटेरियल के टोट बैग देखे फॉर 100 रुपीज। देन यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट मटेरियल एंड पैटर्न के मल्टीपर्पज बैग के भी ऑप्शन थे काइंड ऑफ विंटेज स्टाइल में एंड इनका प्राइस 100 रुपीज था। यहाँ पे कुछ क्लच बैग, पाउच बैग एंड हैंड बैग के ऑप्शन थे इन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लाइक सीक्वेन मटेरियल, क्रॉस स्टिचेस पैटर्न में, बट ये वाले जो बैग थे ना ये सेकंड हैंड बैग थे, इनका प्राइस 100 रुपीज था। बिकॉज अभी ना सरोजनी नगर के शॉप्स के बाहर ना स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं है, इस वजह से ना अब ना शॉप ना काफी मिस हो जाती है। लाइक पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी शॉप थी जिनमें ना ट्रेंडी कलेक्शन मिलते थे। सारी शॉप ना सिमिलर से लगते हैं, कुछ कुछ शॉप तो ऐसे लगते हैं कि वो बंद हो रखी है बट एक्चुअली में वो ओपन होती है। नाउ दिस इज अ शॉप जिसका ना मुझे शॉप नंबर तो याद नहीं, बट ना ये सेकंड लेन में था नियर शॉप नंबर 194। शॉप के ना जस्ट बाहर यहाँ पे 100 रुपीज के मेंस के ना जंपर के ऑप्शन थे जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। देन शॉप के अंदर ना काफी सारे ना वुलन कोट के ऑप्शन थे, बट बिकॉज अब ना सर्दियां जा रही हैं तो इस वजह से ना मैंने इनकी कलेक्शन को तो एक्सप्लोर नहीं किया। देन शॉप की ना दूसरी साइड पे ना कुछ सारे ड्रेसेस के ऑप्शन थे, लाइक यहाँ पे कुछ सारे टी शर्ट ड्रेसेस के, रफल ड्रेसेस के एंड सीक्वेन ड्रेसेस के ऑप्शन थे अंडर 200 रुपीज। वैसे तो मेरी शॉपिंग एंड फिल्मिंग पूरी हो चुकी थी, मैं सरोजनी नगर से निकलने वाली थी, तो लास्ट में ना मैंने कुछ सारे रैंडम से ना शॉप्स को एंड ओपन शॉप्स को एक्सप्लोर किया। लाइक ये वाला जो 200 रुपीज वाला ब्लेजर एंड कोट वाला स्टॉल था, इसमें ना मैंने काफी प्यारा क्रॉप वोवन ब्लेजर देखा जिसे मैंने ऑनलाइन देख रखा 3000 रुपीज का। यहाँ पे कुछ सारे प्लेट पैटर्न के डबल ब्रेस्टेड ट्वीट कोट के ऑप्शन थे वो 200 रुपीज। नाउ दिस इज शॉप नंबर 104 एंड शॉप के बाहर ना एक भैया चिल्ला रहे थे कि शॉप के अंदर ना सारी कलेक्शन 150 रुपीज की है, दैट्स व्हाई वी वेंट इनसाइड टू सी कि यहाँ पे कैसी कैसी कलेक्शन है। शॉप के एंट्रेंस पे ये 100 रुपीज वाला स्वेटर वाला स्टॉल था, 150 रुपीज वाला पैंट एंड जींस वाला स्टॉल था। देन यहाँ पे काफी सारे ब्लेजर एंड कोट के ऑप्शन थे। देन शॉप की दूसरी साइड काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स के ऑप्शन थे, लाइक चेक, प्लीटेड, प्योर लेदर वाले, लियोपार्ड प्रिंट वाले एक्सेट्रा स्कर्ट्स के ऑप्शन थे 150 से 200 रुपीज में। शॉप के अंदर क्रॉप एंड फुल ब्लेजर्स के ऑप्शन थे, कोट के ऑप्शन थे, ट्रेंच कोट के ऑप्शन थे जिनका प्राइस 150 रुपीज था। देन शॉप के अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेटर्स के ऑप्शन थे। मोस्ट ऑफ द स्वेटर्स एंड जंपर ना काफी बेसिक स्टाइल के थे एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ देम, बिकॉज यहाँ पे ना मैंने ये फेयर आइल पैटर्न वाला स्वेटर नोटिस किया। देन ये अगाइल पैटर्न वाला स्वेटर जिसे मैंने ऑनलाइन भी देख रखा है, वहाँ पे थोड़े महंगे थे बट यहाँ पे इनका प्राइस 150 रुपीज था। आई हैव नो आइडिया कि इस शॉप से निकलने के बाद डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन ना जाके मैं पीछे की साइड क्यों गई जहाँ पे फूड कोर्ट है, बट ट्रस्ट मी गाइस, आई एम ग्लैड कि मैं वहाँ पे गई बिकॉज वहाँ पे ना 100 रुपीज के लॉन्ग ओवर कोट मिल रहे थे
एंड ऐसे वैसे नहीं, काफी ट्रेंडी एंड यूनिक से वो लॉन्ग ओवरकोट जो कि काफी वर्सेटाइल है, हमेशा ट्रेंड में रहने वाले, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाने वाले। आई नो कि अभी ना समर सीजन आ रहा है, बट स्टिल ये वाले कोट ना कभी भी ट्रेंड से नहीं जाने वाले, एंड फॉर जस्ट ₹100 मैंने तो इसे लेके रख लिया ताकि मैं इसे नेक्स्ट ईयर पहन पाऊँ। नाउ शॉप नंबर 134 ए के जस्ट साथ में ना एक शॉप थी, मे बी शॉप नंबर 135, मुझे इसका एग्जैक्ट शॉप नंबर तो याद नहीं, बट इस शॉप में ना आपको वो ट्रेंडी से वुलन वाले स्कर्ट देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट प्रिंट में, क्वालिटी में, लेंथ में, जिनका प्राइस ₹150 था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सरोजी नगर मार्केट कलेक्शन। आई होप कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ विजिट करूँ ना तो ये पूरी जितनी भी विंटर कलेक्शन है ना पूरी यहाँ से रिप्लेस होकर समर कलेक्शन से ये भर जाए, बट अभी तो यहाँ पे मिक्स कलेक्शन मुझे देखने को मिली समर एंड विंटर की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी।